यूं तो अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया की शानदार भूमिका अदा कर रहे अभिनेता गौरव खन्ना का शो में भला पूरा परिवार है, पर अनुज के लिए उसकी बीवी अनुपमा और बेटी अनु है इनकी दुनिया है, जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं और एक पल के लिए भी ये उन्हें अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देते हैं। लेकिन दोस्तों, शो में तो आप अभिनेता गौरव खन्ना की ऑन स्क्रीन फैमिली से मिल ही रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि असल में ये किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और कैसे अपने बैकग्राउंड से निकल कर ये इतने कामयाब एक्टर बने हैं? शायद नहीं। तो आज हम आपको इनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री बताने वाले हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। खुद की कड़ी मेहनत और लगन के दम पर टीवी के नामचीन अभिनेता बने गौरव खन्ना के परिवार की शुरुआत होती है इनके घर के सबसे अहम सदस्य यानी इनके पिता विनोद खन्ना से, जो कि पेशे से एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं और अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने काफी छोटी सी उम्र में साक्षी खन्ना नाम की साधारण लड़की से ब्याह कर बेटे गौरव खन्ना के पिता बनने का आशीर्वाद पाया है। पिता के बाद बात करें इनकी माँ साक्षी खन्ना के बारे में, तो वह एक गृहिणी है और अपने पूरे घर की देखभाल भलीभांति कर रही हैं। पेरेंट्स के बाद अगर बात की जाए खन्ना परिवार के लाडले बेटे गौरव खन्ना के बारे में, तो इनका जन्म 11 नवंबर 1981 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाने से पहले ये कानपुर से मुंबई आ गए थे, जहां आकर पहले इन्होंने आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया, जिसके बाद इन्होंने अलग अलग फील्ड में जाकर कई सारे ऑडिशन दिए और फिर इन्हें टेलीविजन विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद इन्हें साल 2003 में अपना पहला शो कयामत हाथ लगा, जिससे इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन जैसे ये साल 2006 में आई शो भाभी में नजर आए, तो लोग इन्हें घर घर जाने लगे, जहाँ पर इनकी एक्टिंग इतनी पसंद की गई कि धीरे धीरे छोटे पर्दे पर इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद इनकी किस्मत का ताला यूं खुला कि इन्हें सिंदूर तेरे नाम का, मेरी डोली तेरे अंगना और ये प्यार ना होगा कम जैसे बड़े बड़े शोज मिले। लेकिन लास्ट में अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, इन्होंने साल 2016 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला संग साथ फेरे लिए हैं, पर इन्होंने अभी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है और इस वक्त ही अपने करियर पर फोकस करते हुए मुंबई में अपने इसी खुशनुमा फैमिली के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वेल दोस्तों, गौरव की फैमिली में आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी जबरदस्त वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।